फ्रेंड्स, आज सैटरडे है, आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑफ बॉलीवुड। आज आप लोगों को बताऊंगा अभी भी कौन सा मूवी कलेक्शन कर रहे हैं उस मूवी का फुल कलेक्शन, और प्रीवियस डे में कौन सा मूवी रिलीज हुआ है उस मूवी का कलेक्शन, एंड कौन सा मूवी हिट है एंड कौन सा मूवी फ्लॉप। बट उससे पहले प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, सो लेट्स गो। 18 अगस्त 2017 को डायरेक्टर अश्वनी अय्यर तिवारी का मूवी बड़ेली की बर्फी रिलीज हुआ था। मूवी का लीड रोल में राजकुमार राव, आयुष्मान खुराना एंड कृति सनन। तो चलिए देखते हैं मूवी का बजट एंड मूवी का फुल कलेक्शन। फ्रेंड्स, मूवी ने फर्स्ट डे को उतना बढ़िया कलेक्शन नहीं किया था, उसके बाद रिव्यू अच्छा होने का कारण मूवी का कलेक्शन ठीक ठाक था। मूवी का फर्स्ट डे कलेक्शन था 2.42 करोड़, फर्स्ट वीकेंड कलेक्शन था 11.30 करोड़, एंड नाउ टोटल कलेक्शन इज 20.02 करोड़, एंड मूवी का बजट है 20 करोड़। नाउ बजट और कलेक्शन इज इक्वल, सो नेक्स्ट वीक बताएंगे ये मूवी एवरेज होता है या फ्लॉप। इस मूवी के साथ ही अनवली क्रिएशन 18 अगस्त को इंडिया में रिलीज हुआ था। डायरेक्टर डेविड एफ सैंडबर्ग का मूवी अनवली क्रिएशन का लीड रोल में है स्टीफन सिगमैन, टालिथा बेटमैन एंड एंथोनी लैपागिला। फ्रेंड्स, मूवी ने इंडिया में बहुत ही बढ़िया कलेक्शन किया है। इंडिया में मूवी का फर्स्ट डे कलेक्शन था 5 करोड़, फर्स्ट वीकेंड कलेक्शन था 22.20 करोड़, नाउ मूवी का 8 डे कलेक्शन 2.10 करोड़, मिलाकर मूवी का टोटल कलेक्शन है 37.95 करोड़। तो आप चलिए बताते हैं मूवी का बजट एंड वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। मूवी का बजट है 95 करोड़, एंड मूवी का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है 1080 करोड़। सो बजट और मूवी का कलेक्शन को देखते हुए ये मूवी हिट हो चुके हैं। 11 अगस्त 2017 को डायरेक्टर श्री नारायण सिंह का मूवी टॉयलेट एक प्रेम कथा रिलीज हुआ था। मूवी का लीड रोल में अक्षय कुमार, भूमि पंडिकर, अनुपम खेर, दिव्यंदु शर्मा। फ्रेंड्स, मूवी का रिव्यू पहले से ही बहुत बढ़िया था, इसलिए मूवी का कलेक्शन पहले से ही बहुत ही अच्छा था। मूवी का फर्स्ट डे कलेक्शन था 13.10 करोड़, एंड फर्स्ट वीकेंड कलेक्शन था 51.45 करोड़। मूवी का फर्स्ट वीक कलेक्शन था 96.05 करोड़, जो मूवी का बजट को देखते हुए बहुत ही बढ़िया कलेक्शन है। और आपको बता दें मूवी का सेकंड वीक कलेक्शन भी बढ़िया है। मूवी का सेकंड वीक कलेक्शन है 28.35 करोड़, एंड मूवी ने थर्ड फ्राइडे में कलेक्शन किया है 1 करोड़ प्लस। सो नाउ मूवी का टोटल कलेक्शन है 125.40 करोड़। सो मूवी का बजट एंड मूवी का कलेक्शन को देखते हुए ये मूवी सुपर हिट है। और आपको बता दें मूवी ने ट्यूबलाइट मूवी को पीछे छोड़ते हुए 2017 का फोर्थ हाईएस्ट ग्रोजर मूवी है। तो आगे देखेंगे ये मूवी और कितना कलेक्शन करते हैं एंड कौन सा मूवी को पीछे छोड़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट मूवी इज 25 अगस्त को रिलीज हुआ क्वादी बैंड। मूवी का डायरेक्टर है हबीब फैसल। मूवी का लीड रोल में है अन्या सिंह, आदर जैन एंड प्रिंस परविंदर सिंह। फ्रेंड्स, ये मूवी कल ही रिलीज हुआ है, सो मूवी का फर्स्ट डे कलेक्शन है 25 लाख, जो बहुत ही कमजोर ओपनिंग कलेक्शन है। तो आगे देखेंगे ये मूवी और कितना कलेक्शन करते हैं एंड हिट होते हैं या फ्लॉप। तो अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट मूवी कलेक्शन। 25 अगस्त 2017 को डायरेक्टर कुशन नंदी का मूवी बाबू मोशाई बंदूकबाज रिलीज हुआ था। मूवी का लीड रोल में है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, विदिती बाग एंड जतिन गोस्वामी। फ्रेंड्स, इस मूवी ने भी अभी भी एक ही दिन कलेक्शन किया है। मूवी का फर्स्ट डे कलेक्शन है 1.40 करोड़, जो ठीक ठाक कलेक्शन है। बट आगे देखेंगे नवाजुद्दीन सिद्दीकी का मूवी और कितना कलेक्शन करते हैं और हिट होते हैं या फ्लॉप। इस मूवी के साथ ही डायरेक्टर राज एंड डीके का मूवी ए जेंटलमैन रिलीज हुआ था। मूवी का लीड रोल में सिद्धार्थ मल्होत्रा, जैकलिन फर्नांडिस एंड दर्शन कुमार। तो आप चलिए देखते हैं मूवी का फर्स्ट डे कलेक्शन। फ्रेंड्स, मूवी का कलेक्शन तो बाबू मोशाई बंदूकबाज एंड क्वादी बैंड से अच्छा है, बट मूवी का कास्ट एंड मूवी का बजट को देखते हैं मूवी का ओपनिंग कलेक्शन उतना बढ़िया नहीं है। इस मूवी का फर्स्ट डे कलेक्शन है 4.04 करोड़, जो ठीक कलेक्शन है, बट इससे भी बढ़िया कलेक्शन करना होगा फर्स्ट वीकेंड एंड फर्स्ट वीक में। तो फ्रेंड्स, सारे मूवी का कलेक्शन आज इतना ही। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करने ना भूलिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।